नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और मेरे साथ है मेरी बहुत अच्छी दोस्त भावना शर्मा। अच्छा भावना, जब भी शादी ब्याह विवाह की बात होती है तो हमारे देश में हम सब जानते हैं कि इसे एक बहुत पावन बंधन माना जाता है। बिल्कुल नमिता, लेकिन आज भी हमारे देश में हमारे जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है उसमें विवाह से जुड़ी बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां हैं, जिनमें से एक होती है दहेज प्रथा यानी कि डाउरी, जिसे रोकने के लिए सामूहिक विवाह की पहल की दर्शना गुप्ता जी ने, जो एक सोशल वर्कर तो है ही भावना, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें हाल फिलहाल देश के राष्ट्रपति की तरफ से नारी शक्ति पुरस्कार के साथ सम्मानित भी किया गया। बहुत ही अच्छी बात है। और यही नहीं नमिता, हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं जो कि आने वाली, जो कि हमारी नई पीढ़ी है उनको आने वाले समय के लिए तैयार कर रही है ताकि वो एक अच्छा देश का निर्माण कर सके। बिल्कुल, बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं और उन्हें पढ़ाने का काम करती हैं। और इतना ही नहीं, साथ साथ वो एक बहुत ही खूबसूरत, वेरी पॉलिश्ड एंड ग्रूम्ड गायिका भी हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारी दो विमेन अचीवर्स का शो पर। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी दर्शना गुप्ता जी का, हु इज अ सोशल वर्कर, और जैसे हमने आपको बताया कि उन्हें हाल फिलहाल देश के राष्ट्रपति की तरफ से नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमिता जी, नमस्कार भावना जी। एंड वेरी ब्यूटिफुल गॉर्जियस टैलेंटेड सुमिता सिंह जी भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शना जी, जिस तरह से हमने बताया कि आप सोशल वर्क करती हैं, सामूहिक विवाह आप कराती हैं, तो यही जानना चाहेंगे कि इसकी पहल करने की जो सोच थी, ये जज्बा कहाँ से आया आपके जहन में? नमिता जी, जब मैंने समाज में ये सब कुरीतियाँ देखी, मैंने अपने ससुर को 30 से 40 साल पहले ये सब काम करते हुए देखा और उनके साथ साथ मैं उनकी जाती थी कि वो सामूहिक विवाह को बहुत ज़्यादा फोकस करते थे कि हमारे समाज में, स्पेशली अग्रवाल समाज के अंदर दहेज प्रथा बहुत ज्यादा थी और गरीब अग्रवाल समाज के लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी दहेज देने के लिए। तो उन्होंने एक बीड़ा उठाया था समाज के लिए कि सामूहिक रूप से शादियां की जाएगी तो जो समाज के ऊपर गरीब व्यक्ति के ऊपर जो आर्थिक रूप से बोझा होता है लड़की की शादी के लिए, हाँ, उनके ऊपर ब्रेन पे बहुत प्रेशर होता है कि मैं अपनी लड़की की कैसे शादी करूं। तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया भारत देश के अंदर गरीब परिवारों का सामूहिक शादी करने के लिए। सबसे पहले धौलपुर के अंदर 501 जोड़ों का शादी हुआ। वेरी नाइस। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने ये सब सुना था उनसे, उस टाइम में मेरी शादी नहीं हुई थी। अच्छा। जब जब मैंने सुना और फिर मैंने धीरे धीरे, जब मेरी शादी हुई आज से करीब 33 साल पहले, तो मैंने उनके साथ ये सब चीजें देखी भी प्रैक्टिकल में, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ा, बहुत अच्छा पुण्य का काम भी है और उसमें हमारे समाज में, देश में बहुत सारे बेनिफिट भी हो रहे हैं, तो मुझे भी इसके साथ सीख के ये कार्य करना चाहिए। जब तक वो थे तो वो समाज में ये कार्यक्रम करते रहे सामूहिक शादियों का। उनके जाने के बाद मैंने सोचा हमारे समाज में सब लोग कर तो रहे हैं, तो मेरे परिवार की तरफ से जो बाबूजी ने एक शुरुआत की थी, महिलाएं इस प्रोग्राम को बहुत कम रूप से कर रही थी या कर ही नहीं रही थी, मैंने किसी को देखा ही नहीं था कि कोई कर रही है। तो मैंने भी अपने मन में सोचा और अपने पति से शेयर करी कि मैं सामूहिक रूप से ऐसे शादियां करना चाहती हूँ। तो उनके मन में भी एक पीड़ा थी कि ये कार्यक्रम हमें करना चाहिए। तो फर्स्ट कार्यक्रम हमने पंचकुला में किया। अच्छा। जहाँ 251 लड़कियों की एक साथ शादियां की हमने। बस उसके साथ के बाद तो सिलसिला चलता ही गया, आगे बढ़ती गई, बढ़ता ही गया। चलिए, और सुमिता जी आपसे भी आज जानना चाहेंगे कि म्यूजिक की इंस्पिरेशन आपको कैसे मिली, आप गायिका कैसे बनी, और फिर उसके बाद एक सॉन्ग से भी शुरुआत करेंगे आपके साथ। बिल्कुल जी। मैं छोटे से ही गाती हूँ और मुझे गांव में शादियों में गाते हुए सुनकर बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, और तब से मैं सुन सुन के मैं सीखी। बड़े होने के बाद फिर मैंने शिक्षा लिया, तो वो कंटिन्यू फिर मेरा चलता रहा। अच्छा, तो अभी ये सावन की भी शुरुआत हो गई है भावना, तो एक खूबसूरत से सॉन्ग से शुरुआत करते हैं ना सुमिता जी के। जी, रुचि रुचि पैया पढ़ो मोरी रानी दाहेगा, आया है सावन की बहार रे, रुचि रुचि गाना नदियों मोरी बाबुले, आए है सावन की बहार रे। पहले लियाने ससुर मोरे आए, पहले लियाने ससुर मोरे आए, रहने ना देओ मोरे बाबुल, आयो है सावन की बहार रे।
ब्यूटीफुल, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत आवाज है सुमिता जी, बहुत ही, मतलब हमारा दिन बन गया आज, सावन की अच्छी शुरुआत हो गया। तो आपसे दर्शना जी मैं जानना चाहूंगी कि आपने जैसे बताया जैसे शुरुआत की, तो क्या कभी ऐसा लगा कि कदम कभी लड़खड़ाए हो, कि कदम उठा तो लिया है लेकिन कुछ समस्याएं आ रही हैं, कुछ वहाँ पर कुछ चैलेंजेस फेस करने को मिले हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं नमिता जी, भावना जी, ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ नहीं। क्योंकि समस्याएं, जब कोई काम करेंगे समस्याएं तो जरूर आएंगी, समस्याओं के साथ समाधान तो होंगे होंगे, और ये कोई प्रोजेक्ट कोई छोटा तो है नहीं जी। आप गरीबों के साथ काम कर रहे हैं, गरीबों के साथ समस्याएं भी बहुत हैं, सुनना भी बहुत पड़ेगा, फिर समाज भी आपको बहुत सुनाएगा, फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें धन की समस्या। अच्छा, आपने यदि एक बेटी की हम घर में शादी करते हैं तो उसके लिए आपको एक महीने पहले तैयारी करनी पड़ती है, और सबसे पहले धन का इकट्ठा करना पड़ता है, इतनी सारी शादियां एक साथ करवाना, और ये इतनी सारी शादियां इकट्ठी करने के लिए तो आप सोचिए कि मुझे कितनी समस्याएं आई होगी, एक बैलेंस भी क्रिएट करना पड़ता, बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा हर चीज के लिए। तो समस्याओं के साथ में सबसे बड़ी समस्या मुझे धन की होती थी, बट मैंने सोचा कि जब कोई भी कन्या की शादी का निश्चित कर दिया जाए कि इस तारीख को शादी होनी है, उसकी शादी तो निश्चित होगी, धन कहीं से भी आएगा परमात्मा जरूर देगा। कई बार तो मुझे ऐसा होता था कि रात को नींद नहीं आती थी कि हमने एक महीने बाद शादी निश्चित कर दी है कि 31 मार्च को शादी होनी है 51 लड़कियों की, बट पैसा कहाँ से आएगा जी। आप सोचिए, सपने में भगवान कहता था बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, मैं खड़ा हूँ, हर लड़की की शादी निश्चित होगी और जो तुम सोच रही हो वैसी की वैसी होगी। पता नहीं कहाँ से पैसा आता था, बस मोटिव निश्चित था कि मुझे ये कार्यक्रम करना ही करना है। मेरे सब दोस्त, मेरे परिवार और मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे देवर, मेरे जेठ और सबसे ज़्यादा मेरे पति का साथ, उन्होंने मुझे इतना साथ दिया जिसका मैं सोच नहीं सकती। उन्होंने कहा कोई टेंशन मत लेना, कहीं भी टेंशन मत लेना, जब भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना, मैं तेरे साथ हर टाइम खड़ा हूँ। मतलब ये भी आपसे जानना चाहेंगे दर्शना जी कि जब सिंगल हैंडेडली एक महिला कोई डिसीजन लेती है तो कई बार होता है ना कि फैमिली अपोज करती है आपको, या फिर फैमिली कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, तुम कैसे मैनेज करोगी, घर भी मैनेज करना है, बाहर की भी चीजों को देखना है, सोशल वर्क करना इज अ बिग चैलेंज, तो उसे कैसे आपने मैनेज किया? बट भावना जी, नमिता जी, आपको मैं क्या बताऊं, मैंने ये चैलेंज, मेरे पति ने इतना साथ दिया, इतना साथ दिया, मेरे बच्चों ने इतना साथ दिया, बच्चों ने तो कहा कि मम्मी जब आपने ठान रखा है ये काम करना है तो करो ना, तो आप करते रहो, हमारे को क्या संभालना, हम बड़े हो गए हैं, और बड़े जब वो छोटे थे तब भी वो बड़े थे, क्योंकि उन्होंने परिवार में देखा दादाजी दादी जी सब लोग ये काम कर रहे हैं, वो समाज के लिए हर टाइम तैयार थे। बच्चे तो अपने आप ही बड़े हो जाएंगे, उनको ज्यादा ध्यान रखेंगे तो वो प्रोटेक्शन में कुछ भी बड़े, कभी भी बड़े नहीं होंगे। तो इसलिए मेरे पति ने तो मुझे इतना साथ दिया जिसका मैं कभी सोच नहीं सकती सपने में भी। अच्छा, कोई भी दिक्कत आई उन्होंने कहा बिल्कुल चिंता नहीं करना है, स्टाफ है, मैं खड़ा हूँ, सब काम अपने आप हो जाएंगे, कोई चिंता नहीं करो और मुझे बताते जाओ क्या काम करना है। और किसी ने बिल्कुल सही कहा, पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। नहीं, मैं अजय जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ इस चीज के लिए, यहाँ पे सच हो गए बिल्कुल। चलिए, तुम काम कर रहे हो, देख रहे हैं, आई थिंक सो देख रहे होंगे, तारीफ कर दी है मैम ने ऑलरेडी आपकी, तारीफ लायक है, सपोर्टिव भी रहे हैं। नहीं, वो तारीफ लायक है। चलिए, अच्छी सुमिता जी, आपकी किस तरीके से शुरुआत हुई, मतलब क्या ऐसे कुछ चैलेंजेस आए, आपको भी ऐसा कुछ फेस करना पड़ा कि कदम लड़खड़ाए हो, सोचा हो कि नहीं अभी रुक जाना चाहिए? आए थे मेरे सामने भी, लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मेरी फ्रेंड की शादी 12 इयर्स में हो गई थी, और वो बहुत परेशान थी, वहाँ उसको बहुत परेशान किया जाता था, उसको हम लोगों ने 2-4 फ्रेंड मिल के उसको वहाँ से भगा लिया। और उसका हम लोगों ने शुरू से सारे पैसे इकट्ठे करके उसको पढ़ाया। अच्छा। फिर वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उसने पीजी किया इंग्लिश से, और आज यहीं दिल्ली में ही कहीं पे वो इंग्लिश की लेक्चरर है। अच्छा। और उसकी वजह, उसको देख के उस समय के बाद से मन में हुआ कि नहीं कुछ करना चाहिए। अच्छा, आप तो सोशल वर्क भी करती है ना, बच्चों को पढ़ाती है, जिस तरह से हमने शुरुआत में कहा, तो वो इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? बच्चे ऐसे घूमते रहते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं इन सबों को, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मतलब वो चाहते हैं कि मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। लेकिन उनको ऐसा कोई रास्ता नहीं मिलता या कुछ मिलता नहीं है, मदर फादर ऐसे करने वाला कोई नहीं है, तो
ऐसे में अगर बच्चे आ गए और हम बुलाते भी हैं और कराते हैं, किस तरीके की समस्याएं इन बच्चों के साथ देखने को मिलती हैं? इन बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सबसे पहली बात कि उनके पेरेंट्स ही ऐसे नहीं है कि जो भेज सके, वो सुबह उठ के अपने कामों पे चले जाते हैं, बच्चे बस खेलते हैं, तो ऐसे बच्चे नहीं कर पाते हैं। और उनमें से ये नहीं जरूरी है कि सारे बच्चे मतलब करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम अगर बात करते हैं बच्चों की तो उनमें एक हिडन टैलेंट होता है ना, जिसे उबारना बहुत जरूरी होता है, तो आप लोग वो काम करते हैं, अक्सर उनको निकालते हैं। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अगर हम आपसे जानना चाहें दर्शना जी, आपने कहा कि पंचकुला से आपने शुरुआत की, जहाँ पर 251 महिलाओं की आपने सामूहिक विवाह कराया, उसके बाद ये जो कारवां आगे बढ़ा, किस तरह से आप आगे बढ़ी, कहाँ कहाँ पर अभी आप लाइक सामूहिक विवाह करवा चुकी हैं, और क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं अभी आपके, हम जानना चाहेंगे। नमिता जी, भावना जी, पंचकुला तो मेरी एक स्टार्टिंग थी, बट उससे पहले मैंने अपने बाबूजी के साथ बहुत सारी शादियां देखी थी, और उसके बाद बस चलता ही गया कारवा, कभी दिल्ली में, कभी हरियाणा के अंदर, कभी यूपी के अंदर, कभी कहीं, तो उस कारवा को हमने रुकने नहीं दिया। बहुत अच्छा। हाँ, जैसे दिल्ली में भी कभी 51 करना है, कभी शो करना है, पलवल के अंदर है, तो ये नहीं था कि अजय बनारसीदास गुप्ता फाउंडेशन या अजय गुप्ता दर्शना गुप्ता कर रहे हैं, हमने और फाउंडेशन के साथ और एनजीओ के साथ मिलके भी किया। हाँ, उनके साथ मिलके किया है, इंडिपेंडेंट भी किया है और फाउंडेशंस के साथ मिलके भी किया, तो ऐसे वो अनलिमिटेड चलती रही और अभी भी चल रही है, और मेरी अभी भी इच्छा है कि इस प्रोजेक्ट को तो मैं कभी रुकने भी ही नहीं दूंगी। अच्छा, एक चीज आपसे जानना चाहूंगी दर्शना जी, यहाँ पर कि सामूहिक विवाह के बेनिफिट्स आप क्या समझती हैं, क्या फायदे होते हैं इसके? सामूहिक विवाह के तो आप सोच ही नहीं सकते कि कितने बेनिफिट होते हैं। जैसे हमारे देश की इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहले कि ये शादियां दिन में होती है, दिन में होगी तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल बचेगी। एक लड़की की शादी में कितनी बिजली जलती है? बहुत ज्यादा। तो ये तो आपके साथ 251 लड़कियां दिन में शादियां हो रही है, तब देखिए कि देश की कितनी बिजली बची है। अलग अलग जगह पर नहीं हो रही है शादी, एक ही जगह पे हो रही है। दूसरा है कि सामूहिक रूप से खाना बन रहा है, तो कैटरिंग का देखिए आप पैसा कितना बचेगा। फिर गरीब तबके के पास पैसा नहीं है कि वो शादी कैसे करेगा, खाना कैसे लाएगा, टेंट कैसा लाएगा, ये तो समाज के बहुत सारे व्यक्तियों ने फंडिंग कर दिया और एक फाउंडेशन ने कर दिया ये प्रोजेक्ट, तो उस गरीब परिवार के लिए आर्थिक रूप से सब तरह का उसकी सारी समस्याएं खत्म हो गई। उसको तो सिर्फ आना ही है, उसको वहां फेरे करने हैं, खाना खाना है, और सारा जो संस्था सहयोग का सामान, एक परिवार को जितना सामान चाहिए गृहस्थी बसाने के लिए चाहिए, वो हम सारा देते हैं, और वो खुशी खुशी विदा हो जाती हैं लड़कियां। लड़के वाले भी खुश, लड़की वाले भी खुश, उनका तो एक रुपया नहीं लगा ना जी, और सोसाइटी ने उन बच्चों की शादियां कर दी, उसमें देश के कितने बच्चों का भला हो गया, कितने परिवारों का भला हो गया, और कितने गरीब माँ बापों का बच्चा भला हो गया, कि उनको गरीब आदमी को ज्यादा नहीं तो 500 रुपए की दिहाड़ी है, एक लड़की की शादी करने के लिए उसको एक महीने पहले टेंशन हो जाती है तैयारियां, और उसको एक दिहाड़ी छोड़नी पड़ती है, 500 × 30 दिन, तो कितनी दिहाड़ियां खत्म हुई, उतनी माँ दिहाड़ी करती है लड़की की शादी करने के लिए, और कर्जा लेते हैं वो शादी करने के लिए, वो सारा कुछ बच जाता है, और एक हम जैसा फाउंडेशन या अन्य फाउंडेशन उन बच्चों के एक प्लेटफॉर्म पे शादी कर देते हैं, तो उनको एक रुपया खर्च ही नहीं होता ना डोरी में, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो आप अच्छे आर्थिक सहयोग मिल गया, सामाजिक सहयोग मिल गया, और आप सबसे बड़ी बात है जो ये शादियां होती है तो इसमें मंत्रालय की तरफ से और आईएएस आईपीएस ऑफिसर और समाज के मुख्य व्यक्ति पारिवारिक लोग, ये जब लोग आते हैं तो इन बच्चों के गरीब बच्चों के माँ बापों को, स्पेशली लड़की के माता पिता को, कि यदि मेरी लड़की को मारा पीटा या घर से बाहर निकाल दिया तो मेरी लड़की की शादी एक सामूहिक रूप से उस शादी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो मेरे परिवार की लड़की मोदी जी के डिपार्टमेंट में जाके शिकायत कर सकती है कि भी मेरी बेटी की शादी यहाँ हुई थी और ये लड़की वाले मुझे तंग कर रहे हैं, लड़के वाले मुझे तंग कर रहे हैं,
तो आप सोचिए लड़की लड़के वाले इस बात से डरते हैं कि सामूहिक रूप में शादी हुई है, हम लड़कियों को कभी तंग नहीं कर सकते। यस, और अंडर सेक्शन में दिस इज वन सोशल इविल आल्सो हम देखते हैं, रोज अपने देख रहे हैं कि लड़कियों को कैसे शोषण होता है, कितना मारा जाता है, कितना पीटा जाता है। तो सामूहिक शादी का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि लड़कियों की बहुत इज्जत करी जाती है। ऐसी शादियों में कोई शोषण नहीं कर सकता, कोई शोषण ही नहीं कर सकता। आर्थिक रूप से सहयोग हो गया, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, आपका फूड की बचत हो गया, बहुत सारे हैं। बिल्कुल, वुमेन एम्पावरमेंट का एक संदेश भी देती है। नविता, यहाँ शादी ब्याह की बात हो रही है और उत्सव के तरीके से मनाया जाता है, तो क्यों ना एक गीत शादी ब्याह से रिलेटेड सुन लिया जाए। तो हमारे जरा एक शादी ब्याह से जुड़ा हुआ कोई लोकगीत हमें सुनाए प्लीज। रुनक चुनक बाजे हो, रुनक चुनक बाजे पायल तोरी पौवा, बड़ा निक लागे ननद तोरे गौवा, बड़ा निक लागे देवरा निहारे पीपर झर पाती, देवरा निहारे पीपर झर पाती, हम रोज अरवा हुलस जाला छाती, गरवा में नहीं आके, गरवा में नहीं आके लागे गिरुवा, बड़ा निक लागे ननद तोरे गौवा, बड़ा निक लागे। नहीं नहीं, बहुत खूब। अच्छा आप एक बात बताइए, जो बोल हैं आपके इसका मतलब भी समझा दे जरा हमें। ये बोल ये है कि लड़की की शादी होती है और वो जाती है और उसका देवर उसे छेड़ता है। अच्छा। तो शादियों में अक्सर होता है ना कि छेड़खानी की बातचीत होती है, देवर और भाभी का नोक झोंक चलता रहता है इस गाने के अंदर। वेरी नाइस। अच्छा आप अपनी ये जो सिंगिंग है उसके लिए आप प्रैक्टिस भी करती होंगी ऑफ कोर्स, है ना? करती हूं। तो कब कब आप प्रैक्टिस करती हैं, वक्त कैसे निकालती हैं अपने घर के कामों के साथ में? पूरे दिन में तो 12 घंटे में तो 1 घंटे के लिए टाइम निकाल ही सकते। अच्छा, ओके। बच्चे हमारे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद मैं कर लेती हूँ। तो कोई इंस्पिरेशन भी रहे आपके इस फील्ड में? जैसे हर कलाकार किसी ना किसी से इंस्पायर्ड होता है ना, तो मुझे शारदा सिन्हा जी का गाने सारे बहुत पसंद है। अच्छा। और उनकी गाने ही मैं गाती हूँ ज्यादातर। अच्छा। और अच्छा दर्शना जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से सामूहिक विवाह की हम बात कर रहे थे क्या फायदे होते हैं, हम ये भी जानना चाहेंगे आप एक साथ 251 बच्चों के या फिर 300-400 लोगों को इकट्ठा करके उनका सामूहिक विवाह करवाती हैं, ये कैटेगराइज कैसे करती हैं आप? लाइक सिलेक्शन करना पड़ता है कोई जाके? नहीं, नहीं, इसमें सिलेक्शन नहीं करना पड़ता। हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया हुआ है। ओके। उस फॉर्म में बच्चों का नाम, एड्रेस, परिवार का नाम, फिर आई कार्ड और इस तरह के कुछ उसमें कॉलम्स बनाए हैं बच्चों के। अच्छा। ताकि 18 और 21 जो हमारे गवर्नमेंट ने बना रखा है और उनको वेरीफाई कराने के लिए गांव में हमने जगह जगह जैसे सरपंच के पास वो फॉर्म रख दिए, गांव में सरपंच ने वो डाटा इकट्ठे कर लिए, क्योंकि गरीब परिवार सरपंच के पास ही सबसे पहले आता है कि मेरी बच्ची शादी लायक है तो मुझे कुछ हेल्प कर दो, तो सरपंच वो सबसे पहले फॉर्म भरवा लेता है, तो सरपंच उस परिवार का पूरा वेरीफाई करता है। फिर ये फॉर्म डीसी के पास में आ जाते हैं। अच्छा। फिर डीसी भी उनकी पूरी इंक्वायरी कर लेता है। एक तरह से गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट उनकी इंक्वायरी करते हैं। अच्छा। हाँ जी। इंक्वायरी किया बिना हम लोग बच्चों की शादी नहीं करते। ये एक अच्छी बात। हाँ जी, हाँ जी। तो ये डाटा इकट्ठे होते रहते हैं हमारे पास में। शादियां हम तब करते हैं जैसे किसी ने कह दिया कि मैंने ये लड़का तय कर दिया, वो लड़का और लड़की दोनों का फॉर्म ले आएगा। ठीक है। और हम अपनी एक तारीख निश्चित कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 मार्च को हमें शादी करनी है, तो हमने 1 महीने पहले फॉर्म निकाल दिए और सारे अनाउंसमेंट करा दी कि 1 मार्च को सामूहिक शादी होनी है। अच्छा। जिन्होंने अपनी यहाँ सगाइयां कर रखी है बच्चों की, तो 1 मार्च को हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शादी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो सारी जगह वो फॉर्म सर्कुलेट हो जाते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, और एक किस्म से वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा, वो रजिस्ट्रेशन वहाँ करवा देते हैं और हम सारे टिक करते रहते हैं, 51 हो गए, 101 हो गए, 201 हो गए, जितना हमारा टारगेट है उससे ऊपर हो गए उनको भी ऐड कर लेते हैं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम 5 दिन पहले क्लोज कर देते हैं, क्योंकि उतना ही फिर सामान खरीदना पड़ता है ना, मैनेजमेंट में फिर दिक्कत आती है, सामान को सब बांधना करना,
वेन्यू तय करना, सब चीजों को तय करना, उसी के अकॉर्डिंग वेन्यू तय किया जाता है। मतलब इसमें वेरिफिकेशन भी हो जाती है कपल्स की? और नहीं, विदाउट वेरिफिकेशन कोई भी शादी नहीं होगी। दैट्स नाइस। दो चीजें हमारे पास मीडिया होता है, यदि हमने विदाउट वेरिफिकेशन कुछ ऐसे कर दिया, नाबालिग बच्चों की शादी हो गई है, तो संस्था के ऊपर ब्लेम आएगा ना सारा। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे, जब आपको नारी शक्ति पुरस्कार मिला, हाउ इज दैट फीलिंग, लाइक राष्ट्रपति की तरफ से देश कैसा महसूस होता है कि आपके काम को सराहा जा रहा है, वो भी माननीय राष्ट्रपति के द्वारा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकी मुझे कितना अच्छा लगा। Some things are like out of expression. मुझे ऐसे इतना अच्छा फील हुआ कि देखो मेरा परिवार तो मुझे पहचान ही रहा है, मेरे सब दोस्त मुझे पहचान रहे है, अब मुझे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है कि हाँ ये कितना अच्छा काम कर रही है, तो मुझे एक अवार्ड मिल रहा है नेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे अवार्ड मिल रहा है, प्लस कई चैनल्स इसको डायरेक्ट रिले कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। वो तो आपके चेहरे से बयां हो रहा है, ब्लश कर रही हैं। वेल, सुमिता जी, आपसे भी हम एक प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं अभी, है ना, वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, हम आपसे थैंक यू करें, उससे पहले एक सॉन्ग सुन लें। मैं कृष्ण भजन आपको सुनाती हूं। ऑफ कोर्स। मोरी गोरी गोरी बैया मरोड़ी रे, कान्हा मोसे करे बराजोरी। क्या बात है। कान मोरी गोरी गोरी बैया मरोड़ी रे, कान्हा मोसे करे बराजोरी। का करू सखी कछु बात नावे, निंदिया सारी सारी रात नावे। फिरे गले गले हो फिरे गले गले, नित चोरी चोरी रे, कान्हा मोसे करे बरजोरी। बहुत खूबसूरत, आपकी आवाज भी खूबसूरत है और ये गीत भी, और इसका मतलब भी हम नहीं समझेंगे कि मतलब हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, राइट। थैंक यू सो मच सुमिता जी फॉर कमिंग हियर, गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू अस। और दर्शना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे जो आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ रही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भावना। हाँ बिल्कुल नमिता, अभी हमने गीत सुना, कला है ये भी, भारतीय कला है, उसी के साथ नृत्य भी भारतीय कला है। बिल्कुल सही। और साथ ही योग भी। बिल्कुल सही कहा। और कहते हैं कि योग और नृत्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो उसी से संबंधित हमारे पास कुछ है जो नमिता हम अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये दो पहलू मिलकर काम करते हैं। और आज भावना बड़ी कलाकार बन गई है, इनके अंदर का कलाकार जाग उठा है। बस आपका असर है नमिता। थैंक यू। वेल, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। Launch the book, I'm going to request Shri Shyam Jaju ji to please say a few words. Shobhana Narayan ji ne aur Dua ji ne jo ek kitab likhi hai, mujhe lagta ki yoga ka aur ek naya ayam aur naya dimension ki aur unhone dhyan akarshit kiya hai. Yoga waise koi abhi abhi bahut badh raha hai, logon ka akarshan hai, desh videsh mein bhi log usko attract kar rahe hai. Ye koi
आजकल की बात नहीं है, आजकल बढ़ा जरूर है, ये बहुत पुरानी कल्चर है, पुरानी विरासत है। पहले भी जब पतंजलि ने लिखा है कि योगा करने से आत्मा का उन्नयन होता है, आदमी का आत्मिक चिंतन होता है, उसको शांति मिलती है, लोगों को, मेरे जैसे लोगों को ध्यान में नहीं आ रहा था। रामदेव बाबा ने उसको नए स्वरूप में रखा, भाई योगा करो वेट कम हो जाएगा, योगा करो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, योगा करो हंसते रहोगे अच्छा लगेगा। मुझे लगता नए ढंग से उसके प्रस्तुतिकरण से आज उसका फॉलोइंग बढ़ा है। शोभना नारायण जी ने उसको जिस प्रकार से जोड़ा है कि हमारे क्लासिकल डांस में भी उसकी कैसी झलक है, और एक दूसरे से ये दोनों अपने आप में सेपरेट फैकल्टीज जाए, उसका कैसे उन्होंने विलन करके एक नया आयाम दिया है। धारणा ध्यान समाधि, where there is no duality, and I began with that, that duality ceases, you become one with the one. And in the yogic and yoga and dance, I think that is important. And there is one final correlation, and I'll end here. In both yoga and dance, there is a guru. Now don't acknowledge it so openly. There is a guru. मनुष्येन लग्न गुरु अग्निपद में तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम, अनलेस यू फॉल एट द फीट ऑफ द गुरु, वेदर इट्स इन योगा और वेदर इट्स इन डांस, द कंप्लीट अबिलिटी ऑफ सरेंडर। आई डोंट बिलीव अचीवमेंट इज पॉसिबल। सो इन माय व्यू दिस इज एन इम्पॉर्टेंट बुक। द टेक्स्ट इज वेरी यूजफुल इफ यू रीड इट। In the midst of many, many, many things that one does, I had a chance to glance through it. The illustrations, of course, are very important also. But if you read the text, you will understand that ultimately, in at least Indian aesthetics, it all starts with a unity. Author of this book, Shobhna ji. I am just going to make sure that the world is beautiful. That's how I'm going to breathe. That's how I'm going to believe. And that's Anita Dua. And therefore, the world is beautiful for her. Ladies and gentlemen, how can we have this panel complete without Vinita Nangia? She's the one who's going to take this evening forward, because she is the one who gets to the crux of things in a jiffy. And she's going to talk to the authors. Today on stage with us, are the authors of the book, Dr. Shobhna Narayan and Anita Dua, and they are here to help us decipher the commonalities between yoga and dance, between mudras and asanas, between the stillness and the sudden activity, between inhalations and exhalations. And we've spoken a lot on stage already, we've heard a lot about the commonalities. So I think, Shobhna, I would like you to start off with telling us that where do the two diverge? The asanas, everything. In fact, I would just like to begin with saying that when we're talking about yoga, yoga is basically the balance, the harmony of the mind, body and soul. And in that, Patanjali has talked about the eight ayam, the eight stages of yam, niyam, asan, pranayam, pratyahar, dharana, dhyan, samadhi. We go through it. As has correctly been pointed out by our previous speakers, that we go through it. Without those rules and regulations, we cannot. Now, where does this the divergence takes place is that we are dynamic. As I mentioned earlier, when we are performing, we are going performing all the asanas. When it is, you know, jo hum kehte ki vilambit lay mein, you know, you see it in that very slow lay. But the moment you start putting all the different asanas together to form a pattern, each asana by itself is a karana. And then when you start putting it together, it becomes an angahar, which we would call a toda or a paran or a tukra. And other dance forms have their own similar names for those rhythmic patterns. So the moment you put them together, it's dynamic. So we are moving from one asana to another in a very, very quick dynamic form. So when the dancer is dancing, not only she is experiencing samadhi, the
people, the audience which is watching her, is also transported to that stage of ecstasy within. So she's experienced that, and the audience is experiencing the same state along with her. So after asana comes the pranayama. Now that's something which happens voluntarily to all of us. We're all breathing, consciously or subconsciously, there's no choice. It's a life breath, it's life. So when we're breathing, we are also, I think I don't want to go too much into it, we are also applying these locks which a dancer is doing to conserve the energy. So when Shobhana ji is doing her padhant and her tatkar, and she's not losing her breath and she's as fresh as ever, that's because she's gone through those breathing techniques and she's applied those locks, the chin and the abdominal lock and the root lock, to make sure that the energy remains within. It doesn't really, gets reflected within, so therefore she's not tired. So that's the reason why the combination of all these, then after, of course, pranayama, we are ready to do our dhyana, dharna and samadhi, the last three limbs which have been mentioned. As we all know कि हमारी जो oral health होती है, oral hygiene होती है, वो भावना हमारे overall well-being, हमारी overall health के लिए बहुत important होती है. ये बहुत ही essential part है, लेकिन कई बार फिर भी हम लोग इसका ध्यान नहीं देते, नजरअंदाज कर देते हैं, ignore करते हैं, ठीक से brushing नहीं करते हैं, flossing नहीं करते हैं, tongue clean नहीं करते हैं, जिसके चलते हमें बहुत सारे issues हो जाते हैं या oral health problems हो जाती हैं, जो कि कई बार diabetes में भी बदल जाती हैं, heart disease तक इससे हो सकता है, या फिर ओरल कैंसर भी इससे हो सकता है. और नमिता वही कि जब दांत में दिक्कत हो, हमारी ओरल हेल्थ खराब हो जाती है, तो वहीं हमें कुछ और परेशानियां भी होनी शुरू हो जाती हैं, जो हम पहले रियलाइज नहीं करते, लेकिन बाद में हमें बहुत अफसोस होता है. बिल्कुल, हमारे कॉन्फिडेंस को इनहांस करने के लिए भी हमारे ओरल हेल्थ का अच्छा होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. और इस पर हमने खास रिपोर्ट तैयार की है कि आप बेसिक ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन करें अपने डेली रूटीन में. आइए आपको दिखाते हैं. तेज रफ्तार वाली जिंदगी में हम सब इतने व्यस्त हो गए हैं कि कई बार अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर देते हैं, जिससे हमें नुकसान भी होता है. दांतों से जुड़ी समस्याएं भी इन्हीं में से एक हैं. मोतियों जैसे खूबसूरत दांत हमारी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं. शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे दांतों का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये दांत ही हैं जो भोजन को अच्छे से चबाने में हमारी मदद करते हैं. बदलती जीवन शैली और साफ सफाई की कमी के कारण दांतों की बीमारियां बढ़ी हैं. भारत में बड़ी उम्र के लगभग 90% लोग दांतों की समस्याओं से परेशान हैं, वहीं 40-50% स्कूल जाने वाले बच्चों को भी दांतों से जुड़ी कोई ना कोई बीमारी जरूर है. छोटी उम्र से ही कुछ भी खा लेने की प्रवृत्ति के कारण बच्चों में दांतों की समस्याएं बढ़ी हैं. तंबाकू, सिगरेट और गुटखा के लगातार सेवन से युवाओं सहित बड़ी उम्र के लोगों के दांत न सिर्फ काले और गंदे हो जाते हैं, साथ ही दर्द और मसूड़ों की बीमारियों से भी घिर जाते हैं. पहले ज्यादा उम्र होने पर दांत गिरते थे, पर अब ठीक ढंग से ध्यान नहीं रखने के कारण कम उम्र में ही दांतों से हाथ धोना पड़ रहा है. गर्भावस्था के समय हार्मोन स्तर में लगातार बदलाव के कारण मसूड़ों के अधिक संवेदनशील होने और दांतों के टेढ़ेपन होने का खतरा बढ़ जाता है. वैसे तो दूध के दांत से लेकर विजडम टूथ तक समस्याएं बनी रहती हैं, लेकिन दांतों की अहम समस्याओं में दांतों में दर्द होना, पायरिया यानी मसूड़ों में सूजन और मसूड़ों से खून आना, आड़े तिरछे दांत होना, दांतों में छेद होना और दांतों का गिरना महत्वपूर्ण है. तो देखा आपने कि ओरल हाइजीन को मेंटेन करना कितना जरूरी होता है. और किसी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आपको वो परफेक्ट स्माइल चाहिए ना, तो आपके दांतों का खूबसूरत होना तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं अगर हमारे दांत अच्छे हों, मोतियों जैसे दिखें. बिल्कुल, हमने शुरुआत में भी सुना था. वेल, आप भी हमसे बात कर सकते हैं, हमसे जान सकते हैं कि आप किस तरह से अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करें. इसके लिए आपको करना क्या है, आपको बस अपना फोन उठाना और हमें कॉल करना है. नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है. हमारे साथ ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए दो खास मेहमान मौजूद हैं. नंबर्स
बता दें 0112309724 हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। अनिशु ने 1123097524 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं कि ओरल हाइजीन आप कैसे मेंटेन करें, अपने दांतों की आप देखभाल कैसे करें डेली रूटीन में। आइए स्वागत करते हैं हमारे दो खास मेहमानों का जिनकी हम बात कर रहे थे। हमारे साथ दो डॉक्टर्स मौजूद हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर महेश चंद्र जी का जो कि हेड ऑफ डेंटल डिपार्टमेंट है ESIC हॉस्पिटल से। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। एंड वी वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर धीरज कोहली ऑल्सो हु इज द असिस्टेंट प्रोफेसर CDER दिल्ली से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर जैसे आपसे शुरुआत करते हैं कि हम ओरल हेल्थ की बात कर रहे हैं, ओरल हाइजीन की हम बात कर रहे हैं, तो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ओरल हाइजीन जब हम उसकी बात करें? क्योंकि चमकते जो सुंदर दांत हैं, चेहरे की सुंदरता तो बनाते ही बनाते हैं, साथ में हमारे शरीर को दुरुस्त बनाए रखने में उनका पूरा योगदान है। क्योंकि ये हमारे गेटवे ऑफ बॉडी है। अगर दांत सही होंगे तो हमारा शरीर भी सही होगा। तो डेंटल हेल्थ के साथ साथ जो हमारी जनरल हेल्थ है वो जुड़ी हुई है। मतलब हमारे जो दांतों का जो शरीर का जो उसका जिम्मा है वो दांतों के पास है। तो दांत अच्छे होंगे तभी हमारा शरीर अच्छा होगा। अच्छा डॉक्टर धीरज आपसे भी जानना चाहेंगे कि बेसिक फैक्ट्स क्या हैं जो एक इंसान को जानने चाहिए अपने डेली रूटीन में कि उसके दांत कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। दांत स्वस्थ रखने के लिए जैसे हम अपने शरीर के लिए हम बोलते हैं कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, सेम थिंग हमारे दांतों पे भी अप्लाई होती है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट उसमें दांत भी एक इम्पॉर्टेंट रोल पैदा करते हैं। तो जैसे हम अपना दिनचर्या स्टार्ट करते हैं हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। अब ब्रशिंग का अलग अलग तरह से टेक्निक्स होती हैं, हमें एक स्टैंडर्ड टेक्निक अपने जो हमारा दंत विशेषज्ञ है उसके थ्रू जान के पहचाननी चाहिए जो हमारे लिए सूट करती है। हमें दिन में जो भी कुछ हम खाते हैं उसके बाद हमारे दांतों पे चिपकाना रह जाए तो हमें रिंस करना चाहिए। उसके बाद कुछ केसेस में हमें दांतों के बीच में जिनमें गैप्स होता है मरीजों के उनके लिए हम डेंटल फ्लॉस के लिए भी इस्तेमाल बोलते हैं। तो एक हम सिनोनिमस बोलते हैं हमेशा कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए, ब्रश रिंस फ्लॉस। ओके आइदर यू कैन फ्लॉस फर्स्ट देन यू ब्रश एंड देन रिंस। ओके दैट इज द मेन पैटर्न आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आप अपने लाइफस्टाइल के साथ साथ हेल्थ को भी ओरल हेल्थ को भी अच्छे से मेंटेन रख सके। और भावना कहीं ना कहीं हमारी सरकार भी इसके लिए काफी स्टेप्स ले चुकी है और इसके लिए कहा भी जाता है कि ब्रश दिन में 2 बार 2 मिनट हर बार, ये बिल्कुल गलत नहीं है। आप अगर अपने डेली रूटीन में अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इसको जरूर फॉलो करें। जैसे डॉक्टर धीरज ने बहुत अच्छे से कहा कि 3 जो चीजें हैं उनको आपको फॉलो करना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ठीक है दिन में 2 बार ब्रश तो करनी है, 2 मिनट तो करनी है, लेकिन व्हाट इज द करेक्ट टेक्निक? यस इसके लिए हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पे मौजूद, टूल्स हमें नजर आ रहे हैं, तो हम एक एक करके जान लेते हैं। सर सबसे पहले ब्रश करने का सही तरीका क्या होता है? बिल्कुल ब्रश जो है इसमें सबसे पहले एक सही आप ब्रश टेक्निक जो तरीका है उसको सिलेक्ट करें। हमेशा हम ब्रश कई बार सीधा ऐसे करते हैं जैसे जूते साफ करने, ऐसे नहीं करना चाहिए। ब्रश को हमेशा 45 डिग्री एंगल पे रखना है और नीचे की तरफ लेके जाना ऊपर के दांतों में और नीचे के दांतों में ऊपर की तरफ। अच्छा। क्योंकि अगर हम इसे ध्यान से देखते हैं तो दांतों के बीच का जो गैप है वो इस तरीके से साफ होगा। अगर हम इस तरीके से साफ करेंगे तो दांतों के बीच का गैप है वो रह जाता है। जी। और प्रॉपर पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से और नीचे वाले ऊपर की तरफ, ठीक है, और अंदर से भी ब्रश को नीचे से इस तरह से करना चाहिए। और चबाने वाली जगह से ब्रश को ऐसे करना है, थोड़ा सा जेंटल प्रेशर देना है, उसको घिसना नहीं है। घिसेंगे तो दांत उनकी बाहर की जो परत है वो खराब हो जाएगी। तो 2 मिनट जरूरी है कम से कम, नीचे वालों में 1 मिनट ऊपर भी 1 मिनट कम से कम है। तो 2 मिनट तो करना ही करना। हाँ जी आप 4 मिनट भी कर सकते हैं अगर प्रॉपर ढंग से, और भी ज्यादा आपको अच्छी तरह करना है तो। सही ब्रश कैसे लाइक अपने लिए चूज करें? इसमें ये होता है कि 2 तरह के मैक्सिमम मिलते हैं ब्रश। एक तो एंगुलर टूथ ब्रश होता है, जिन लोगों को पीछे के दांत कर ब्रश करने में मुश्किल होती है तो उसमें एंगुलर ब्रश हम एडवाइस करते हैं उसके अंदर। और जो स्ट्रेट है वो आप आगे से भी कर सकते हो, पीछे वाले भी कर सकते हो। और हार्ड ब्रश वैसे यूजली अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उससे थोड़े से दांत घिसेंगे या गम्स में भी इश्यूज आ जाते हैं। जितने ब्रिसल्स इनके फ्लेक्सिबल होंगे वो दांतों के जो गैप्स हैं उनके बीच में से क्रॉस कर सकते हैं। और सुपर सॉफ्ट की भी आगे जैसे वैरायटी अल्ट्रा सॉफ्ट है, स्लिम सॉफ्ट है, तो जितना ज्यादा सॉफ्ट होगा उतना ही अच्छे दांत साफ होंगे। तो सर इसमें
जब हम ओरल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हम टंग की भी बात करते हैं, टंग भी हमारे मुंह का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तो उसकी क्लीनिंग कैसे की जाए? उसका भी ब्रश करना जरूरी है। कई बार जैसे हम मसूड़े भी छोड़ देते हैं तो मसूड़ों को भी ब्रश करना जरूरी है, दांतों को भी करना जरूरी है, और टंग के ऊपर जैसे कोटिंग हो जाती है बैक्टीरिया की या खाना जमा हो जाता है तो उसको ब्रश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो टंग है वो हमारे शरीर की सबसे स्ट्रॉन्ग मसल है और उसको हम ब्रश कर सकते हैं ताकि लोगों के मुंह से स्मेल ना आए। तो हमेशा इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर धीरज, यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे, पुराने जमाने में अगर हम बात करते हैं तो लोग दातुन किया करते थे, नीम से वो दांतों को साफ किया करते थे, नमक से कहते हैं वो साफ करते थे, अभी हमें कई बार ऐसे एडवाइजेस मिल जाते हैं कि आप भी ऐसा करें, ये कितना सही होता है आज के टाइम में? लेकिन एक बात और जानना चाहेंगे, क्योंकि पहले के जमाने के लोगों के जो दांत थे ना बड़े मजबूत रहते थे, उसका भी कारण जानना चाहेंगे। हम पहले के ज़माने को आज के टाइम से जो कंपेयर करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी यहाँ पे। हम खाली पेशेंट लोगों के दांत खाली आगे आगे के साथ साथ हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पीने का तरीका, हमारे फूड हैबिट्स सब कुछ चेंज होता चला गया है। तो वो जो चेंज ट्रांजिशन आया है उसके कारण हमारे मेंटेनेंस के भी जो तरीके हैं वो भी चेंज हो गए हैं। जो हम पुराने टाइम पे नीम, दातुन और जो भी हम कहा करते थे, तो हमारा खाने का मोस्टली जो खाना होता था अनरिफाइंड फूड ज्यादा होता था, फाइबरस डाइट ज्यादा होती थी, जो दांतों पे अपने आप से नहीं चिपकता था। हम चॉकलेट नहीं खाते थे, हम स्टिकी फूड नहीं खाते थे, हम हमेशा फाइबरस खाने की तरफ ध्यान दिया करते थे। लेकिन जैसे मॉडिफिकेशन आया है, हमारे इवोल्यूशन हुआ है, हमारी डाइट हैबिट्स चेंज हुई है, हम अलग तरह के खाना खा रहे हैं जो मे भी हमारी बॉडी के लिए और तरह से फायदेमंद है लेकिन दांतों के लिए चिपक जाता है। तो उनकी अच्छे से क्लीनिंग के लिए जो पुराने तरीके हैं वो अब कारगर नहीं है। तो अब आपको एक अच्छा तरीका चाहिए जिससे आप वो जो खाना आपने खाया है उसको अच्छे से दांतों की तरफ से हटा भी पाए। तो नीम, दातुन वगैरह जो भी हम यूज करते थे उसके अंदर बेसिकली हमारे पास केमिकल इंग्रेडिएंट था जिसको हम कहते थे जो एक्टिव काम कर रहा है, लेकिन हमें मैकेनिकल डिब्राइडमेंट, जो मैकेनिकल साफ सफाई करनी दांतों की, वो बहुत जरूरी है। ताकि जैसे हम अपने घर का हर कोना कोना साफ करते हैं, सफाई करते हैं, तो उसके भी तरीके बदल गए आने वाले टाइम में, है ना? तो ये सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है, तरीके बदलते जा रहे हैं लेकिन हाइजीन का मेन मोटो है कि हमें हेल्दी रहना है। अच्छा एक और चीज धीरज जी आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पे, वो ये है कि जो लोग ज्यादा इनटेक ऑफ शुगर करते हैं क्या उनके भी दांत खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं? इसमें मेन बात ये आती है कि आप इनटेक शुगर का कर रहे हैं तो उसके बाद आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है शुगर लेने की। ये सारा कुछ हमारे माउथ में, जब भी हम मीठी चीज आते हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं, कार्ब्स लेते हैं, वो बिस्किट फर्मेंट होके एसिड्स बनाते हैं जो हमारे टीथ को यूजुअली डिके करते हैं, जो हमारे टूथ को प्रोन करते हैं बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए, डैमेज करने के लिए। सो जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी मीठा लेने की बढ़ जाती है, हमारे माउथ का पीएच हमेशा नेगेटिव तरफ चलता है, तो हमें वो फ्रीक्वेंसी कम करनी है। वी कैन टेक अवर स्वीट्स, हम मीठा खा सकते हैं, लेकिन हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो सर्विंग्स हैं उनके अंदर एक अच्छा गैप हो ताकि हमारा जो सलाइवा है वो उसको बफर कर पाए। तो छोटे बच्चों के लिए हमेशा कहते हैं कि आप मीठी सर्विंग दे रहे हैं तो उनके बीच में अच्छा गैप रखा जाए, कि आपने अभी बिस्किट दिया है तो आधे घंटे में चॉकलेट ना दे दें, है ना? तो सर्विंग के अंदर आपको गैप्स रखना है। खाने पीने के अंदर सर्विंग यूजुअली बड़े लोगों में हम कहते हैं कि छोटी छोटी सर्विंग दी जाए, लेकिन अगर ओरल हेल्थ से उसे रिलेट किया जाए तो वी हैव टू अवॉइड छोटी छोटी सर्विंग, वी हैव टू टेक सम गैप। और मीठे के अंदर बेसिकली हमें ध्यान रखना है, हम खा सकते हैं, हमें एंजॉय करना चाहिए लाइफस्टाइल अपना, लेकिन हमें उसके साथ साथ उसकी बचाव के वाले में तरीके पता होने चाहिए। बिल्कुल सही, हमने ब्रश करने का सही तरीका जाना, लेकिन वी हैव सम मोर टूल्स ऑन द टेबल, सो वी वांट टू नो मोर अबाउट दैट। ये टूथपेस्ट अवेलेबल है, यानी किस तरह से लगाना चाहिए ब्रश के ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल। यूजली क्या होता है कि जब हम सुबह ब्रश करते हैं या जब भी ब्रश करते हैं तो हम ऊपर से पेस्ट निकाल के रख देते हैं ऐसा। हाँ, मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। एंड जनरली वी ऑल डू लाइक ज्यादातर ऐसे निकाल के रख देते हैं जो ऊपर होते हैं। लेकिन मैं आपको सही तरीका बताता हूँ कि जो आपके पास ब्रश है उसको प्रेस करो, इसका जो इसका नोजल है उसको प्रेस करो और पेस्ट अंदर चली जाएगी। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो पेस्ट अंदर चली गई है, ठीक है? इसको पूरा भरना नहीं है, मटर के दाने जितनी काफी होती है पेस्ट। इसके बाद इसका ये फायदा है कि जब आप इसको ब्रश करेंगे तो ब्रश करते टाइम जैसे हमने यहाँ पे पेस्ट लगाई वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सब जगह पे, इस तरह से इकट्ठी एक जगह पे मुंह के अंदर जो पेस्ट है वो गिर नहीं जाएगी। इससे ये होगा कि फ्रिक्शन से धीरे धीरे पेस्ट सब जगह लग जाएगी, उसके बाद उसको ब्रश किया जाए ताकि ढंग से। ये नई चीज है जो हमें नहीं पता थी, हम अक्सर वही टूथब्रश के ऊपर, क्योंकि ऊपर लगी हुई तो वो मुंह में एक जगह लग जाएगी, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, इसलिए वो बारी बारी उसको थूकना पड़ता है। धीरज जी आपसे भी जानना चाहूंगी यहाँ पे कि कई बार जैसे हमने रिपोर्ट में भी देखा था कि टोबैको का लोग सेवन करते हैं, स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, गुटखा खाते हैं, जिससे कि उनके दांत जल्दी सड़ जाते हैं आज के टाइम में हम देखते हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे?
उनके लिए एडवाइस है कि जो भी हमारे धूम्रपान वाली जितनी भी वस्तुएं हैं ये खाली दांत नहीं सड़ा रही हैं, ये हमारे दांत के आसपास का जो हमारा मसूड़े हैं, हमारे अंदर की जो खाल है अंदर की गालों के पास की, उन सब पे कैंसर प्रोन करने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिवली काम कर रही है। तो आप इससे कोई बचाव नहीं कर सकते कि आप ये चीज करें और आप स्मोकिंग कर सकते हैं, तो ये एब्सोल्युटली अब्सेंस होना चाहिए, एब्सोल्युटली निषेध होना चाहिए कि आप इसका इस्तेमाल ना ही करें, क्योंकि कैंसर की स्टार्टिंग के लिए एक सिगरेट भी काफी है, मे बी उसके लिए एक चेन स्मोकर भी काफी है, और आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते कि किस अमाउंट ऑफ निकोटीन लेने से आपको कैंसर होगा। वो उसकी बहुत सारी स्टेजेस हैं, किसी किसी स्टेजेस में वो इनिशियल स्टेज पर रहकर कंट्रोल हो जाता है, किसी में इनिशियल स्टेज बड़ी कम होती है, लेकिन उसके बाद वो काफी अलग वर्जन में बढ़ जाता है। बट वी शुड नो कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन शुड बी बेटर देन क्योर, सो वी शुड नॉट टेक दिस थिंग कि हम दांत को प्रिवेंट कर लेंगे, स्मोकिंग कर सकते हैं, सो निषेध उस चीज को, रिस्क नो स्मोकिंग, नो टोबैको प्रोडक्ट शुड बी मैंडेटरी फॉलोड। और इनफैक्ट स्मोकिंग से हम ये भी देखते हैं कि दांत जल्दी पीले भी पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो टू अवॉइड दैट आल्सो स्मोकिंग लोग नजरअंदाज भी करते हैं उस चीज को, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे होते कि किस रीजन से हो रहा है। बिल्कुल सही कहा भावना। चलिए सवाल अभी और भी हैं, लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं रुड़की से, मनोज कुमार जी, आइए उनसे उनका प्रश्न जानते हैं। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत आपका गुड इवनिंग इंडिया में, बताएं क्या पूछेंगे आप। मैडम मुझे कंफर्म करना है कि कितने मतलब दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए, और जो दांतों में जो ठंडा है गर्म होता है उसके लिए क्या साबुन लगेगी। एक बार आप अपना सवाल दोहराएंगे, हम ठीक से नहीं सुन पाए बिकॉज आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही थी हमें। मैडम मैंने कहा कि दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए, और जो जो दांतों का ठंडा गर्म लगता है तो उसमें मतलब क्या साबुन लगनी चाहिए। अच्छा, दांतों को कितनी बार ब्रश करना चाहिए, तो ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं दो बार करना चाहिए, वेल हम जान लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं बताते हैं कि ब्रश जो है रात को करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, अगर रात को अगर कोई 10 बजे सोता है और सुबह 7 या 6 बजे उठता है तो लगभग 8-9 घंटे उसका मुंह साफ रहता है, तो हमें एक तो टाइम देखना है कि 8 घंटे अगर उसका मुंह साफ रहा तो सुबह उठते एकदम ब्रश करने की जरूरत नहीं है, जो कि सब करते हैं, रात को ब्रश नहीं करते, सुबह उठ के ब्रश करते हैं। आप कुल्ला करो, खाना खाओ, ब्रेकफास्ट करो अपना, और उसके बाद ब्रश करना जरूरी है, ताकि 3-4 घंटे उसके बाद फिर दोपहर तक उसके या फिर जो भी 3 घंटे बाद वो खाना खाएगा तो 3-4 घंटे तब भी साफ रहेंगे, तो कुल मिला के 12 घंटे साफ रह सकते हैं इस तरीके से। पर जो रात को ब्रश नहीं करते, सुबह उठते ब्रश करते हैं, इसका मतलब सारी जिंदगी में दांत साफ नहीं हुए उनके। अच्छा, तो वो बीमारियां इस तरह पनपती रहती हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि अगर वो इतना ब्रश करने के बाद भी उनके दांतों में दिक्कत है तो हो सकता है काफी गंदगी दांतों में जमी हो, मसूड़ों पे टार्टर जम गया दांतों के ऊपर, तो उसकी एक तो सफाई करवानी बहुत जरूरी है मसूड़ों के ऊपर जो टार्टर जम गया, ताकि कम से कम और दांतों को नुकसान ना हो, पायरिया ना हो, कैविटीज ना बने, दांतों में कीड़ा ना लगे, जो आम भाषा में हम बोलते हैं। तो ये सब देख के पता चलेगा कि कितनी बीमारी हो चुकी है। अच्छा, सेंसिटिविटी के बारे में क्या कहना है आपका, कई बार हॉट एंड कोल्ड सेंसेशंस होते हैं दांतों के अंदर, तो वो कैसे रोके जा सकते हैं या उसका कारण क्या होता है? हॉट एंड कोल्ड सेंसेशन यूजुअली अगर हमारे दांत की जो परत है ऊपर की वो सबसे स्ट्रांग होती है, इसको इनामल कहा जाता है। yes. अगर धीरे धीरे विद एज के साथ या कुछ हैबिट्स हैं जिसमें हम दांत घिसते हैं अपने, या हमारे कुछ तरल पदार्थ हैं जैसे हम एसिडिटी जो कंटेंट ज्यादा है, कोल्ड ड्रिंक का सेवन ज्यादा करते हैं, इवन एक्सेस अमाउंट ऑफ लेमोनेड आल्सो, लेमन जूस लेते हैं, इन सबसे ऊपर की परत थोड़ी इफेक्ट होती है जिससे हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। अगर दांत में कैविटी है, वो कैविटी बहुत डीप है, वो दांत के सेंसिटिव पार्ट को टच कर रही है, उस केस में भी सेंसिटिविटी के साथ हमारे टूथ की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। ये दांत से रिलेटेड है। कई बार हमारे मसूड़ों की बीमारी होती है जो दांतों की जड़ों को अफेक्ट कर रही होती है, उस कारण में भी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो हम इसको एक जैसे हमारे जो कमर्शियलाइजेशन दिखाया जाता है कि सेंसिटिविटी है तो आप ये पेस्ट यूज कर लें, तो एज ए दंत विशेषज्ञ हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं आप करिए, लेकिन अगर आपका लंबे समय तक कोई प्रॉब्लम रहती है तो यू नीड आपको एक डॉक्टर को जरूर दिखाना है, जो हम कहते हैं हर 6 महीने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आपका फॉलोअप चेकअप होना चाहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम बढ़ने से पहले कंट्रोल हो जाए। क्योंकि प्रिवेंशन क्लीन भी कराने चाहिए दांत आपको। हाँ जी बिल्कुल, एवरी 6 to 8 months में आपको क्लीन कराने चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन हमेशा क्योर से बेटर रहता है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा डॉक्टर, जब डेंटल इमरजेंसी होती है जैसे चोट लग जाती है, दांत टूट जाता है, उस केस में क्या किया जाए, क्योंकि नहीं पता होता क्या करना है। कई बार ये होता है कि जैसे अगर स्कूल में कोई बच्चा अगर और वो गिर गया, चोट लग गई है और उसका दांत मुंह से निकल के बाहर आ गया, तो जितना कोशिश हो सके कि 1 घंटे के अंदर अंदर उस दांत को वापिस लगाया जा सकता है। अच्छा। बेशर्त कि या तो उसको वो बच्चा अपने मुंह के अंदर सलाइवा के अंदर उसको रख ले, या
कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जिसके अंदर वो रख पाए, और उसके बाद जितना जल्दी हो उसके वो डेंटिस्ट के पास पहुंचे ताकि उसको रिप्लांट किया जा सके। लेकिन कुछ और भी हैं, जैसे कुछ पोर्शन अगर दांत का टूट गया है तो उसमें लगता है कि उसकी अगर नस की डैमेज है तो नस का इलाज करके और फिर उस पर कैप लगा सकते हैं। अच्छा। या कई बार लाइट क्योर हैं, ट्रीटमेंट हैं जो कलर मैच करके टाइप की मटेरियल्स होते हैं, तो वो मटेरियल से उस दांत को साबुत किया जा सकता है। तो ये इस तरह के इमरजेंसी ट्रीटमेंट हैं। और उससे ज़्यादा अगर कोई रोड साइड एक्सीडेंट्स हैं, फ्रैक्चर्स हो गए हैं, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, तो वो फिर सर्जरी हॉस्पिटल के अंदर ही उसको दिखाना पड़ेगा। चलिए इस बारे में और भी बात करेंगे। हमारे साथ जयपाल जुड़ गए हैं फोन लाइन पे, जिन्होंने हमें एमपी से कॉल किया, उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले गुड इवनिंग इंडिया में जयपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बताएं क्या पूछेंगे। हेलो हेलो जयपाल जी, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज स्लो कर लीजिए, उसके बाद अपना सवाल बताइए। जी नमस्कार मैम। मेरा सवाल है, मैं खाना खा जी जयपाल जी बताइए हाँ जी बताइए। मैम मेरा सवाल है कि मैं खाना खाता हूँ तो मेरे दांत बचते, जैसे मुंह में कंकर वगैरह आ जाते हैं ना जी, और मेरी वो है कि एक साइड दो दांत निकले हुए, दांत ऊपर और नीचे, और एक साइड एक निकली हुई है। अच्छा, आपकी एज कितनी है जयपाल जी? मेरी एज है 51-52 के करीब। 51-52 एज है इनकी, और इन्होंने कहा कि बचते हैं दांत, जैसे जिस तरह से महसूस होता है कई बार खाने खाने के बाद। एक तो इनका दांत जैसे निकले हुए हैं तो एक साइड थोड़ी सी वीक तो हो ही जानी है, क्योंकि दांतों की पैथोलॉजिकल माइग्रेशन होती है, खाली जगह में दांत थोड़े थोड़े शिफ्ट करते हैं, तो जब ये प्रेशर इन पे पड़ेगा तो इनको थोड़ा सा मसूड़ों में दर्द हो सकता है। दूसरा, जैसे ये बज रहे हैं बता रहे हैं, तो हो सकता है एक साइड में दांत घिसे हों या कोई कैविटीज हो, तो जिसकी सेंसेशन होती है, जिस सेंसेशन की वजह से इस तरह का इनको फीलिंग होती है, तो ये एक बार प्रॉपर चेक करवा सकते हैं, और चेक करके ही पता चलेगा कि एग्जैक्ट रीजन क्या है, कारण क्या है इसका। अच्छा, फ्लॉसिंग के फायदे जानना चाहेंगे एग्जैक्टली आपसे डॉक्टर धीरज। फ्लॉसिंग के फायदे, जैसे हमारे दांत हैं, दांतों की बनावट आप सबको ही पता है किस तरह की होती है, एक फ्लैट चीजें नहीं है, कर्वेचर्स हैं, क्योंकि नेचर है, ये नेचर में कर्वेचर्स रहते हैं, सो कर्वेचर में सम हिडन एरियाज भी रहते हैं। हम जो टूथब्रश से क्लीन करते हैं, जो सर ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया आपको कैसे उसको क्लीन करना है, उसमें वो हिडन एरियाज कई बार कवर रह जाते हैं। वो अगर हम यंग एज में हैं तो वो मसूड़ों से कवर रहते हैं, जैसे हमारी एडवांस एज होती है, मसूड़े थोड़े से नीचे की तरफ सरकते हैं, जो हम आम सब लोगों में देखते हैं, तो वो जो एरिया बन जाते हैं वहाँ एक छोटे छोटे ट्रायंगुलर स्पेसेस बन जाते हैं, जो कई बार ब्रशिंग करने के बाद भी क्लियर नहीं हो पाते, तो उन एरियाज के लिए रिकमेंड किया जाता है कि फ्लॉसिंग करी जाए, ताकि वो जो छुपा हुआ एरिया वो भी साफ हो पाए, फिर उसमें अच्छे थोरली हम ब्रश कर पाए। या फिर कोई पेशेंट क्राउन लगवाते हैं, कैपिंग जो हम बताते हैं, दांतों पे कैप लगाई गई है, उसमें हम हमेशा कहते हैं कैप के साथ आपको नॉर्मल ब्रशिंग से आपके दांत क्लीन नहीं हो सकते, तो आपको हमेशा फ्लॉसिंग भी फॉलो करनी है, ताकि जो कैप और दांत के बीच का सरफेस है वो हमेशा साफ रहे, ताकि वहाँ पे फिर से सड़न, फिर से कीड़ा लगने के गुंजाइश कम से कम रहे। रूट कैनाल की नौबत कब आती है? रूट कैनाल जब दांतों में जो कीड़ा लग चुका है और वो थोड़ा सा गहरा हो गया है, क्योंकि दांत के अंदर ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई सब होती है, जब वो नर्व ब्लड सप्लाई को इन्फेक्ट कर देता है अंदर और वो ज़्यादा गहरा हो गया, खोखला कर देता है दांत को, तो उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट से ही एक तरीका है जिससे दांत को बचाया जा सकता है, उसका नस का इलाज है बेसिकली। तो उस नस को काट दिया जाता है? हाँ, उसको अंदर से खाली किया जाता है, जो इन्फेक्टेड है, जो गला हुआ हिस्सा है, उसको नीचे जड़ तक पूरा साफ करके, और फिर कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिन जो बॉडी को एक्सेप्ट होते हैं, बायो कम्पेटिबल बोलते हैं इनको, वो गट्टा पर्चा टाइप से होते हैं, उसकी फिलिंग करके फिर उसको रिस्टोर किया जाता है, ताकि उसको साबुत किया जाए, बाद में उसके ऊपर से कैप भी लगाई जा सकती है। इन्फेंट्स की अगर हम बात करें तो उनके लिए भी जरूरी है ओरल हेल्थ, तो उसको कैसे ध्यान रखा जाए, क्योंकि जनरली पेरेंट्स को नहीं पता होता क्या किया जाए, कैसे केयर की जाए। जैसे छोटे बच्चे हैं जिनके दांत मुंह में नहीं है जी, तो उनके लिए हम लोग इंस्ट्रक्शन जो देते हैं और जो लिटरेचर में इंस्ट्रक्शन बच्चों के लिए है कि जैसे गॉज पीस होता है, इवन टंग स्क्रेपर्स आजकल अवेलेबल है मार्केट के अंदर, टंग क्लीनर्स आर देयर, या इवन कोई भी अच्छा साफ कपड़ा, थोड़ा सा रफ कॉटन का कपड़ा, उससे आप उसको फीड करने के बाद उसके मसूड़े, उसकी जीभ साफ करनी चाहिए, नहाते वक्त भी, खाना खिलाने के बाद भी, और उस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहां पर अगर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तो वो भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन बच्चे के अंदर लेकर जा सकता है। तो ये तो हो गया एकदम नवजात के लिए, इन्फेंट के लिए बोल सकते हैं, जैसे बच्चे ग्रो करते हैं उनके माउथ में टीथ आ जाते हैं, तो हमें तब बहुत ध्यान देना पड़ता है कि अभी वो नए नए एनवायरमेंट में एक्सपोज होते हैं, उनकी डाइटरी हैबिट्स, उनकी क्लीनिंग हैबिट, रिंसिंग हैबिट, उस सब पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और
अगर हम उनको अच्छे से केयर करें बचपन में, उनके दूध के दांतों को अच्छे से, वो अपने परमानेंट दांतों तक जाते हैं, तो जो हमारी ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम्स आती हैं, दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, उसको काफी हद तक रोका जा सकता है। अच्छा, अगर हमारे दूध के दांत अपने टाइम पर ही निकलते हैं, अगर उनको हम बचा कर रखते हैं, तो वो एक्चुअली एक स्पेस का काम करते हैं परमानेंट दांतों के लिए। अगर वो बचे रहते हैं तो परमानेंट दांतों को अच्छा स्पेस मिलता है निकलने के लिए। अगर किसी कारणवश यंग एज में कीड़ा लग के उनको निकलवाना पड़ जाता है, तो उस जगह पर जो परमानेंट दांत आने वाला है वो अपनी जगह की वजह कहीं और आता है। फिर हमारे दांतों में थोड़ी माल अलाइनमेंट आती है, जिसको हम बोलते हैं कि हमें दांतों को अलाइन कराना है, ब्रेसिस लगवाने हैं, वो सब चीजें उससे जुड़ जाती है। तो बेसिक बात, हम जो हमारा प्रोग्राम भी आज ये कह रहा है कि प्रिवेंटिव को हम लोग ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं। डेंटल ट्रीटमेंट का सारा जिस्ट प्रिवेंटिव में ही है। अगर हम प्रिवेंशन पे चलेंगे तो मेजर ट्रीटमेंट, मेजर हम मिसहैप्स को रोक सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, किसी भी बीमारी को रोकने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि प्रिवेंशन उसके लिए किया जाए। बातें तो बहुत सारी करना चाहते थे, जानकारियां भी बहुत सी चीजें, बिकॉज हमारे टेबल पे बहुत सारे औजार मौजूद है, बदन वक्त इजाजत नहीं दे रहा, सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर महेश, थैंक यू सो मच डॉक्टर धीरज फॉर कमिंग हियर, गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे आगे बढ़ते हैं तो मैंने कह दिया, लेकिन आगे बढ़ने का वक्त ही कहाँ है, हमें सिर्फ घर जाने का वक्त मिलेगा इसके बाद। वेल, गुड इवनिंग इंडिया में आज इतना ही, मुझे और भावना को दीजिए इजाजत, आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनी फैमिली के ओरल हाइजीन का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार, नमस्कार।